वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो गेम के साथ। और आज के इस वीडियो में मैं खेलने वाला हूँ माइनक्राफ्ट का सर्वाइवल सीरीज। इस सर्वाइवल सीरीज में आज का ये मेरा चैलेंज होने वाला है कि आज मेरे को एक कौन सा भाई हाँ भाई आज मेरे को जो है मेरे भाई ने चैलेंज दिया है कि मेरे को जो है 10 दिन में जो है गोल्ड का आर्मर बनाना है हार्ड कोर में। यस, ये हार्ड कोर चल रहा है, इसको मैं हलवे में मतलब मजाक में नहीं ले सकता। और हाँ, इसको हलवा तो समझना भी मत क्योंकि बहुत ही कठिनाई है कि मेरे को पार करनी पड़ेगी। भाई गोल्ड का आर्मर बनाना है तो भाई गोल्ड के आर्मर के लिए तो भाई बहुत ही मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। और हाँ, वीडियो को एंड तक जो से देखते रहना क्योंकि वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। तो अभी जो है मेरे को फिर तो बहुत पेड़ काटना पड़ेगा यहाँ से अपने बेसिक से टूल्स बनाने के लिए। तो फटाफट से यहाँ पर देखो मेरे को एडजस्टमेंट पता नहीं क्या। तो चलो यार पहले पेड़ काट लेते हैं, बाद में बातें करते हैं क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत जो है इन्हें बनाने होंगे टूल्स और क्राफ्टिंग टेबल बनाना है। फिर मेरे को जो है स्टोन की पिक पर वो टूल्स बनाने पड़ेंगे। ये गाइस मैंने प्लैंक्स तो बना लिए, तो बनाते इससे क्राफ्टिंग टेबल। क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ पर रखते हैं। फिर मैं बनाता हूँ यहाँ से स्टिक्स। स्टिक्स से क्या बनाऊँगा, एक पिक के एक्स, एक एक्स, एक स्वॉर्ड, बस इतनी चीज़ें बनाऊंगा। बाकी मेरे पास 7 स्टिक तो पड़ी हुई है। तो अभी चलते हैं थोड़े आगे की ओर। आगे की ओर मैं देखता हूँ कि मेरे को थोड़ा बहुत भाई ये क्या पानी वाला मॉन्स्टर और क्या भाई हार्ड कोर हूँ भाई हार्ड कोर भाई मजाक में नहीं दे सकता मैं हार्ड कोर में हूँ भाई। मेरे से फास्ट तेरे का क्या भाई आ नहीं सकता वो पानी का मॉन्स्टर। हाँ मैं तो आ गया भाई बाहर। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत और प्लैंक मेरे को वुड चाहिए होगा। वैसे ये वुड है कौन सी भाई, मैं आपको उसका नाम पता ना भूल गया। डार्क ओक लोग, डार्क ओक। तो इस डार्क ओक को मैं तोड़ता हूँ। फिर मेरे को थोड़ा और भी स्टोन के टूल्स बनाने हैं। ये मैं इसलिए तोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे को फर्नेस में काम आने वाले हैं। तब तक मेरे को कोल नहीं मिलेगा ना, तब तक मेरे को जो लकड़ी डालनी पड़ेगी फर्नेस में मतलब स्मेल्ट करने के लिए। अगर भाई मैं केव में जाऊंगा तो मेरे को कोल तो बहुत सारा मिल ही जाने वाला है। तो ठीक है, मैंने तो टोटल 12 ओक लॉक कर लिए। अब तो मेरे को थोड़ा नीचे डिग डाउन करना है और स्टोन लेके आना है। तो फटाफट चलो नीचे चलते हैं, डिग डाउन करते हैं। ये देखो भाई ये आ गया हमारा स्टोन। स्टोन को ऐसे तोड़ते हैं और थोड़ा बहुत टूल्स वूल्स बनाते हैं स्टोन के। और भाई टोटल मेरे को जो है 20 तो चाहिए होगा, मतलब 20 कोबल स्टोन चाहिए मेरे को। और भाई गोल्ड का आर्मर बनाने से पहले मेरे को एक केव ढूंढनी पड़ेगी और वो केव मेरे को नहीं पता कि कहाँ मिलेगी। और भाई तो गाइस मेरे को जो है भाई गोल्ड को ढूंढते ढूंढते इतने दूर आ चुका हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो मैंने अपने घर लिए आयरन की स्वॉर्ड भी बना लिए क्योंकि जब भी कोई जोम्बी मेरे सामने आए तो मैं उसको 1 मिनट में फिनिश कर सकूं। ये देखो जोम्बी तो भाई ऐसे मर रहे हैं अपने आप। और मैं पानी पीने के लिए आया था क्योंकि मैं भाई गला सूख रहा है, पानी पानी अंकल जी पानी पिला दीजिए। और पानी पी के जो चलते हैं यार भाई, वहाँ पर मेरे को केव दिख रही है तो भाई इस केव में लगता है मेरे को गोल्ड मिल सकता है। ये क्या है भाई, गोल्ड पड़ा हुआ है, गोल्ड गोल्ड भाई। चलो 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 जल्दी जल्दी आयरन की एक पिकैक्स बनानी पड़ेगी मेरे को जो है गोल्ड को माइन करने के लिए। मेरे को फटाफट से अंदर जाना होगा, एक 3 आयरन ना, सिर्फ 3 आयरन मेरे को तोड़ने होंगे मतलब माइन करना यार जल्दी। ओ वाला मेरा क्या बोलते हैं उसको, हाँ मेरा गोल्ड गायब ना हो जाए जब तक। मेरे को फटाफट से आयरन ढूंढ के लेकर आना पड़ेगा भाई। नीचे क्रीपर है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा भाई, डर लग रहा है यार मेरे को आयरन लाते हुए। यहाँ पर आयरन है क्या? ओ भाई ये रहा यहाँ पर है। ओ भाई ये नीचे गिर गया। ओ नो शिट। तो भाई ये पे मेरे को एक नीचे और आयरन दिख चुका है, मतलब आयरन एक और दिख चुका है नीचे। चलो चलो फटाफट से चलते हैं। ओ ये देखो भाई एक आयरन तो मेरे को मिल चुका है, ये दूसरा आयरन। और वाइस गैस नीचे एक और आयरन गिरा था, वो तीसरा आयरन। वो 3 आयरन मेरे को मिल चुके हैं, मैं फटाफट से वो लेता हूँ, देखता हूँ पहले वो है कहाँ।
ओ गाइस मेरे को मिल गया मिल गया। अब मेरे को सिर्फ वही फर्नेस रखना होगा, बाकी तो काम हो जाएगा। मैं फटाफट से अपने फर्नेस रखता हूँ। हाँ भाई मैंने फर्नेस तो रख दिया है, तो अब इन जो है आयरन को स्मेल्ट करने के लिए मैं पर रख देता हूँ। फिर मैं बनाता हूँ आयरन की आयरन की पिकैक्स। आयरन की पिकैक्स बनाने के बाद जो है मैं गोल्ड को माइन कर पाऊँगा। तो गाइस मैं जो आयरन की पिकैक्स मैंने बना लिए, तो फटाफट से चलो जल्दी मैं आयरन को मतलब गोल्ड को तोड़ लेता हूँ, इससे पहले मेरे सारा कोई गोल्ड और को ले जाए भाई। आज किसी को मैं गोल्ड ले जाने नहीं दूंगा भाई, मेरा एक गोल्ड यहाँ पर। तो चलो तीन गोल्ड हो चुका है, तो तीन और मैं आपसे तोड़ लेता हूँ। तो भाई मेरा एक बोर्ड तो बन ही जाएगा लगभग, देखते हैं तो कितना बनता है अभी। तो मेरे को अभी फिर से फर्नेस का को काम होगा। फर्नेस में गोल्ड, गोल्ड में तो लकड़ियाँ डाल देता हूँ। मतलब गोल्ड को स्मेल्ट करने के लिए मेरे को लकड़ी का यूज़ करना पड़ेगा। बाकी मेरे जूते तो बन जाएंगे, बाकी तीन चीज़ मेरे को और बनानी है, और फिर एक स्वॉर्ड भी तो बनानी है। ये भाई ये एक ब्लॉक जो हवा में कैसे उड़ रहा है, और ये क्या भाई पूरा चंक ही हवा में भाई, पता नहीं कैसे आधा चंक। हाँ भाई आधा चंक पूरा हवा में उड़ रखा है। और भाई यहाँ पे बहुत सारा कोयला है, मैं फटाफट से अभी सारा कोयला तोड़ता हूँ। जल्दी तोड़ तोड़ तोड़, मेरे पास आयरन की पिकैक्स है ना, तो भाई आयरन की पिकैक्स से तोड़ना यार, जल्दी जल्दी टूट जाएगा। तो मैं फटाफट से तोड़ लेता हूँ। ऐसे अब दो मिनट मैं आयरन का मतलब गोल्ड ढूंढ के आता हूँ, फिर मेरे को पूरा का पूरा आर्मर बनाना है। और जितना हो सकता है वहाँ से इतना कोल ले लेता हूँ। ये देखो भाई बहुत सारा कोल, मतलब 14 कोल मेरे को मिल चुके हैं। मेरे को और भी बहुत सारा कोल चाहिए, स्टोन चाहिए, कोल चाहिए, स्टोन चाहिए। तो ठीक है भाई, स्टोन बहुत सारा मिल चुका है और कोल भी मेरे को मिल चुका है। अब देखते हैं मेरा फर्नेस में जो है गोल्ड है स्मेल्ट हो चुका है। ओके। अब भाई मेरे को सिर्फ क्राफ्टिंग टेबल चाहिए, क्राफ्टिंग टेबल ये रही। फिर इस बस मैं करता हूँ। ये देखो गाइस ये मेरे बन चुके जूते, और ये बन गई मेरी आयरन मतलब गोल्ड की स्वॉर्ड। इस स्वॉर्ड को मैं जो वेस्ट नहीं करूँगा, बाद में काम आएगी आर्मर के साथ, मतलब गोल्ड वाले आर्मर के साथ बाद में काम आएगी ना ये गोल्ड की स्वॉर्ड, इसलिए सुबह को मैं भी बर्बाद नहीं करता हूँ। तो गाइस और गाइस मेरे को कौन कहाँ पर मिलेगा यार, मेरे को देखना पड़ेगा, मैं इस केव में देखता हूँ वहाँ पर जाकर। ओ गाइस आपने गौर किया क्या भाई, मैंने तो गौर नहीं किया भाई, मेरे आंखों के सामने गोल्ड वहाँ पर पड़ा हुआ है, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ भाई। तो चलो चलो फटाफट से चलते गोल्ड के पास, और सारा गोल्ड मैं तोड़ लूँगा। और मेरे को दिखा क्यों नहीं भाई, गोल्ड पड़ा हुआ था तो मेरे को दिखा क्यों नहीं भाई, इतनी आंखें कमज़ोर है भाई मेरी। वो फटाफट से ऐसे आयरन की पिकैक्स से गोल्ड को तोड़ता हूँ। अब तो यहाँ से मैं फटाफट से तोड़ने लग जाता हूँ। और भाई बहुत सारे यार यहाँ पे भाई, नीचे तो नहीं गिरा ना। हाँ भाई नीचे नहीं गिरा। हाँ भाई यहाँ पे लगा दिया मैंने, तो अभी मैं सारा ऐसे तोड़ लेता हूँ। ओ भाई अंदर भी है बहुत सारा, ओ भाई बहुत सारा लगता है। तो अभी मेरे को खड्डा खोद के अंदर जाना पड़ेगा। तो मेरे को कितना सारा है वो भाई। ओ ये क्या है भाई, मर कैसे गया मैं यार भाई, अब मेरे को दुख हो रहा है यार मर गया। चलो कोई बात नहीं, मैं वापस होता हूँ रिकवर। आप सिर्फ मेरे को दो मिनट दो, मैं फिर से रिकवर होकर आता हूँ। तो गाइज अभी देख सकते हो यार मैं 2 मिनट में हो चुके हैं, वो मैं रिकवर हो गया क्योंकि वापस से मैंने थोड़ा बहुत माइनिंग की, और अभी मैंने फिर से जो थोड़ा बहुत गोल्ड का आर्मर, और भाई मैंने जो शील्ड भी बना लिए, और पीछे से शिप दिख रही है, उस शिप को मैं मारने वाला हूँ। और सिर्फ मेरे को 2 चीज़ और चाहिए, एक टोपी चाहिए और एक लेगिंग्स चाहिए मेरे को, और वो बनाने के लिए भाई मेरे को थोड़ी बहुत और मेहनत करनी पड़ेगी। भाई अभी रात हो रही है, चलो मैं थोड़ा बहुत खाना पीना और शिप्स को भी मार के देख। तो भाई चलो चलो भाई शिप कहाँ गई, ये रही, तो उसको भाई ये मैंने मार तो दिया। भाई मेरे को सिर्फ 2 शिप्स और चाहिए अपने एक प्योर बेड बनाने के लिए। भाई प्लीज़ यार शिप्स मिल जाए यार, नहीं तो मेरा ज़ॉम्बीज़ फिर से मेरे को मार देंगे भाई। ये पता नहीं मेरे को शिप कहाँ मिलने वाली है भाई, शिप नहीं मिल रही मेरे को। ओ भाई यहाँ पे तो ज़ॉम्बीज़ भी स्पॉन होना स्टार्ट हो चुके हैं। ओ भाई यहाँ पे मैं भाग भी नहीं रहा बहुत तेज, भाग भाई भाग भाग बसंती भाग, क्या करूँ। तो गाइस अभी तक मेरे को जो है यहाँ पे आयरन नहीं है मतलब गोल्ड भी नहीं मिला है, और भाई कितने टाइम हो गया मेरे को भाई घूमते घूमते, कितने देर हो गए और अभी तक भी मेरे को कुछ नहीं मिला। भाई खाना पीना तो है ना भाई, खा लो यार।
खाना होकर भी मैं नहीं खा रहा हुआ यार, मेरा हंगर भाई देखो कितना कम हो चुका है। ओ भाई यहाँ पे गोल्ड मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, मेरे को ऐसे तोड़ना पड़ेगा। तो अरे मेरे को गोल्ड भाई बहुत जल्दी जल्दी मिल रहा है, आज लगता है मेरी बहुत अच्छी किस्मत है इसलिए मेरे को फटाफट से गोल्ड मिल जा रहा है। तो मैं अंदर चलता हूँ और सारा गोल्ड जो है लेकर आता हूँ बाहर। तो कितना गोल्ड मिला भाई, जल्दी जल्दी फर्नेस को उठाओ भाई, फर्नेस भाई पाँच गोल्ड, पाँच गोल्ड, पाँच से क्या होगा अपनी एक टोपी बन जाएगी। ठीक है भाई डाल दो इसके अंदर, मेरे पास जो ओक लॉक्स है उस ओक लॉक से जो अपना जो गोल्ड स्मेल्ट कर लेता हूँ मैं अपना सारा। तो गाइज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये देखो गाइज मैं अपना पूरा गोल्ड का आर्मर कंप्लीट कर लिया है, मतलब मेरे भाई ने दिया हुआ चैलेंज मैं बता रहा हूँ, मतलब मेरे भाई ने दिया हुआ चैलेंज आज मैंने कंप्लीट कर लिया है। और हाँ अगर गाइज आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर देना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।